वर्कआउट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, चेस्ट शोल्डर्स। आज चेस्ट का वर्कआउट था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ख़त्म हो गया। डेली 1 आवर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज चलती है मेरी, फिर इंशाल्लाह ताला लाइफ होगा। नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो कई काम हम कर सकेंगे। और सुहेल माशाल्लाह पोलैंड से आप मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं भी हो नौजवान या अपना वर्क करें, साथ ही साथ वर्कआउट करें, अच्छी सेहत रखें, क्योंकि सेहतमंद आदमी सेहतमंद दिमाग भी रखता है और सेहतमंद आदमी के साथ उसके माशी हालात भी अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर आप बीमार रहेंगे, आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आप देखिए कई नौजवान अपना वक्त यहाँ वहाँ बैठ के फ़ोन में गुजार दे रहे हैं, एक घंटा अगर वो अपनी सेहत के लिए निकालेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेहत रहेगी। बहरहाल नौजवान और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो लोग ख़ास करके जो है एक्सरसाइज करने वालों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, अरे वो पाउडर खा के बन रहे, वो खा के बन रहे, उनकी बातों में मत जाइए, वो सब अपने बेकार। क्योंकि जो आदमी नहीं कर सकता उन्हें दूसरे के ऊपर उंगली उठाना जानता, जो एक्सरसाइज करता वो नौजवान को मालूम है कि क्या मेहनत लगती है इसके अंदर, कितनी मेहनत के बाद इंसान का जिस्म नशोनुमा यानी कि अच्छा दिखता है और वो सेहतमंद भी रहता है। आजकल क्या है मालूम है, सिर्फ अरे वो क्या जिम में 2 महीने में एक्सरसाइज करे बन गए, ये सब बकवास बातें हैं। आप उनकी बातों में मत जाइए, आप अपना टाइम भेजा इधर उधर लगाए बगैर जिम की तरफ तवज्जो दें, और बस इससे ज़्यादा और नहीं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर ऑनलाइन आऊँगा, फिर बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।